इसमें एक डर होता है लोगों को बाहर जाने का, भीड़ का डर, लोगों का डर। एक्चुअली वो पहले नहीं था, लेकिन कई लोगों ने मुझे बताया कि सर कोरोना के बाद हालत ऐसी हो गई कि हम लोगों से मिल ही नहीं सकते, बाहर जाने का इतना डर लगता है कि कुछ हो जाएगा, कोरोना तो अब नहीं है लेकिन कोई बीमारी लग जाएगी, कोई बीमार व्यक्ति इसके संपर्क में आए तो हम बीमार हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। कोरोना के काल में आपको पता है, कोरोना के समय में आपको ये बताया जाया था कि आपको लोगों से डिस्टेंस रखना है, 2 गज की दूरी। वो तो उस टाइम था जब कोरोना था तो आपको डिस्टेंस रखना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। लेकिन ये बातें सुनते सुनते ऐसा करते करते दिमाग में वो घर कर गया, दिमाग की गहराई में चला गया कि लोगों से मिलेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, भीड़ में जाएंगे तो कुछ लग जाएगा, भीड़ में जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। कई लोगों के दिमाग में आज भी वो चीज़ें चल रही हैं और इसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं कि जो घर से बाहर, मतलब एक मोहल्ले से बाहर ही नहीं निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं उसको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ लोग चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए, तो ही घर से बाहर निकलेंगे। आज भी ऐसे लोग हैं और वो पहले बहुत नॉर्मल थे, बिफोर कोरोना वो नॉर्मल थे, बाहर जाते थे, शहर में जाते थे और शहर में जाते थे और अच्छा काम करते भी थे, लेकिन आफ्टर कोरोना सब कुछ बदल गया। तो ये सब एक डर है, या उसको फोबिया बोलते हैं, जो अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक डर उसको बोलते हैं फोबिया, जो सिर्फ एक सोच है, एक वहम है। तो ऐसे देखा जाए तो हर डर एक सोच है, एक वहम है, कोई डर कभी सच्चाई हो ही नहीं सकती। तो चाहे कुछ भी हो उसको ख़त्म करना है। इसमें आपको जो डर लग रहा है पहले आपको नोटिस करना है कि आपको किस चीज़ का डर है। डर आपको पता चलेगा तो आप उसका सॉल्यूशन भी कर सकते हो, उस डर को आप ख़त्म कर सकते हो, इस डर को आप जीत भी सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए कि किस चीज़ का डर है। तो आज सेशन जब पूरा होगा तो इससे पहले आपको ये लिखना है, सेशन पूरा होने के बाद आप लिखेंगे कि कौन सी चीज़ का डर है और उसको कैसे ठीक करेंगे। आपको जो समझ में आ रहा है ये करेंगे, लिखेंगे। और इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया कि मेरा डर कैसे ख़त्म होगा, तो आप मुझे मिलेंगे पर्सनली और इसका इलाज क्या है, इसका क्या सॉल्यूशन करना है आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी जितने यहाँ लोग बैठे हैं इतने बिल्कुल निर्भय होने चाहिए, निडर होने चाहिए, एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस होने चाहिए। क्या आप चाहते हो? यस सर। मैं तो इतना नहीं चाहता कि आप लोग ही ऐसे रहें, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं एकदम निडर होने चाहिए, निर्भय, किसी को कोई चीज़ का डर होना ही नहीं चाहिए। सबके लिए शायद इतना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको तो ऐसा बना सकता हूँ, मतलब मेरी तो इतनी कोई औकात नहीं, लेकिन आप अपने आप को ऐसा बना सकते हो। इसमें मुझे भरोसा है कि आप अपने आप को 100% पॉजिटिव, पावरफुल, निडर, निर्भय बना सकते हो। इसके लिए क्या तरीका है? सबसे पहला तरीका है अब जो आपको बताया जाए, इसका सोल्यूशन बताया जा रहा है। आपको पता चला कि मुझे इस चीज़ का डर है, तो फिर इससे कैसे निपटना है, उसको कैसे ठीक करना है, क्या आप जानना चाहते हैं आप? यस सर। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको पता चला कि आपको किस चीज़ का डर है, फिर इस चीज़ को आप इससे पीछा नहीं छुड़ाएंगे, आपको इससे भागना नहीं है, मैक्सिमम टाइम आपको इससे फेस करना है। यानी कि जो चीज़ जहाँ है, आपको डराने वाली चीज़ जहाँ पर है, वहाँ पे जाके आपको फेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई जानवर का डर है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर मुझे कुत्ते का इतना डर है कि कुत्ता देखते मुझे पसीना आ जाता है, तो इसको हमने कैसे ठीक किया? तो उसको यही बताया कि आपको कुत्ते का डर लग रहा है तो आपको कुत्ते के सामने ही खुद को जाना है, कुत्ते को फेस करना है। नहीं नहीं ये सर गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते, और कोई रास्ता बताओ। और रास्ता है, लेकिन पहले ये करना पड़ेगा कंपलसरी। एक व्यक्ति ने ट्रीटमेंट लिया था ऑनलाइन में, उसने बताया कि सर क्या करूँ, मेरे साले ने कुत्ते पाल के रखे हैं और मैं उसके घर जाऊँगा तो मैं इससे पहले बोलूँगा कुत्ते को साले पहले अंदर बंद कर दे। तो साले के घर जाएगा तो पहले बोलेगा कि कुत्ते को अंदर कर, पिंजरे में डाल दे, फिर मैं तेरे घर आऊँगा। तो वो जब भी जाता पहले कॉल करता कि मैं आ रहा हूँ, सब कुत्ते को अंदर करो। तो दिमाग के अंदर इतना डर हावी हो गया था कि जब कुत्ता दिख रहा है, सामने से कुत्ता होगा तो आंखें बंद कर लेगा, ऐसे 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 बताया था उसने मुझे, मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ। लेकिन ये कोई तरीका है क्या? आप ऐसे क्या सॉल्यूशन करोगे? आप कहीं बोल दिया कि कुत्ते हटा लो, कहीं आपने आंखें बंद करनी, लेकिन क्या सॉल्यूशन है? ऐसे कोई व्यक्ति ठीक थोड़ा ही होगा, इससे तो डर बढ़ता जा रहा है। तो फिर हमने उसको ऑनलाइन ट्रीटमेंट दिया, उसमें ये बताया गया, उसको इमेजिन करा गया, उसकी थेरेपी ऐसे हुई कि आप इमेजिन करो कि आप कुत्ते के सामने बैठे हो, कुत्ता भी आपके सामने बहुत आराम से बैठा है, आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हो, आप कुत्ते को दूध पिला रहे हो, कुत्ते को आप सर पे हाथ फेर सहला रहे हो, कुत्ते के साथ आप खेल रहे हो, कुत्ते को आप प्यार कर रहे हो, कुत्ते भी आपको बहुत इज्जत से, कुत्ता भी आपको बहुत प्यार कर रहा है,
बस इस तरह से लंबे समय इसका इस तरह से थेरेपी चलाया चलाया चलाया। इतना पहले वो इमेजिन में था, क्योंकि वो प्रैक्टिकली तो कुत्ते के सामने खड़ा ही दे ही नहीं सकता। ये सब प्रैक्टिस में इमेजिन ही इस तरह से कराया गया। बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ, लगा कि थोड़ा वो कंफर्टेबल हुआ है। फिर उसको बोला कि जहाँ भी आसपास में कुत्ता नज़र आए तो रोटी लेके जाओ, उसको रोटी डाल के आ जाओ। हिम्मत नहीं ज़्यादा खड़ा रहने की, कोई बात नहीं, रोटी डाल के आ जाओ और थोड़ा दूर एक ऑब्जर्व करो कि क्या कर रहा है कुत्ता। कुत्ता आपको कुछ नहीं करेगा, ये तो पता है। धीरे धीरे उसको इस तरह से प्रैक्टिस करा थोड़ा थोड़ा। सब पहले इमेजिनरी प्रैक्टिस हुआ, इसके बाद उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी कराया गया। कुत्ते के सामने जाओ, रोटी डाल के आओ, और इसके बाद धीरे धीरे उसको दूध पिलाना शुरू करो। तो इस तरह से धीरे धीरे ये चीज़ें करवाई गई। रेगुलर ऐसा प्रैक्टिस भी हुआ। एक व्यक्ति को इसके साथ में रखा और धीरे धीरे वो कुत्ते से आदि हो गया और आज वो कुत्ते के पास बैठता है आराम से। अब मान लो कि उसको ये प्रैक्टिस नहीं कराया गया होता, उसको दवाई दी गई होती, उसको क्लोनाजेपाम से टैलोप्राम या कोई भी दवाई दी गई होती, तो क्या कुत्ते का डर ठीक होता? कभी नहीं सर, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेडिसिन में तो ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं कि वो डर को ख़त्म कर दे। तो इसके लिए उसको इस तरह से थेरेपी दी जाती है और इसके बाद उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी कराया जाता है, तब इसका दिमाग किसी भी डर को खत्म करता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कॉमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।